वेलकम फ्रेंड्स इन कौर किचन अगेन। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिली पनीर। इसके लिए कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालिए। अब इसमें मैंने जीरा और तेज़पत्ता डाले हैं, इनको ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, अब अनियन को आप थोड़ा सा पिंक होने दीजिए, ज़्यादा जलाना नहीं है क्योंकि कच्चा कच्चा ही रखना है सब चीज़ों को हमने। अब इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहिए, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसलिए मैं इसको हल्का सा पिंक ही रखेंगे प्याज को, जिससे कि ये तड़का नहीं है, ये नॉर्मल हुआ है। इसमें प्याज को अच्छे कच्चे ही अच्छे लगते हैं। हमारा प्याज गुलाबी हो गया है, जैसे ही हल्का पिंक होता रहेगा हम इसमें नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तब तक हम थोड़े से और खड़े मसाले इकट्ठे कर लेते हैं, जो भी चीज़ें हमने इसमें और ऐड करनी है। तब तक एक साइड में हमारा प्याज गुलाबी हो जाएगा। ये बहुत ही इजी और ये इंस्टेंट चिली पनीर है, आप किसी टाइम भी कर सकते हैं। आप देखिए, मैं इसमें शिमला मिर्च थोड़ा ज़्यादा बारीक भी नहीं है, थोड़ा मोटा भी नहीं है, बारीक भी नहीं है, नॉर्मल साइज़ का काट के हम इसमें डाल रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको भी ज़्यादा देर तक वो नहीं करना, जलाना नहीं है, ये भी कच्चा कच्चा ही रहेगा। अब इसमें मैंने साथ साथ टमाटर डाल दिए हैं। ये इंस्टेंट और बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली रेसिपी है, आप एनी टाइम इसको बना सकते हैं, कहीं जा रहे हैं या बच्चों ने स्कूल लेकर जाना है या ऑफिस लेके जाना है। जब आप ना चाहें कि बहुत सारा मसाला पीसा जाए, कुछ करा जाए, तो ये सिर्फ 3 सब्जियों से बनने वाली रेसिपी है। अब इसमें मैं और चीज़ें ऐड करूँगी। अब मैंने इसमें अंदाजे से सॉल्ट डाल दीजिए, जितना आप खाते हैं। अब इसमें और चीज़ें, अब इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, जिससे जो भी मसाला हमारा है वो और जल्दी नमक डालने से हो जाएगा। अब इसमें मैंने साथ साथ कसूरी मेथी डाल दी है। जब भी आप कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं उसमें कसूरी मेथी डाल दीजिए, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं, तो हम बहुत ही कम चीज़ों में से ये चीज़ें बनाते हैं, जिसमें इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब मैंने इसमें साथ साथ डाल दी है 1 चम्मच हल्दी। फिर से इसको मिलाएंगे, जिससे हल्दी का कच्चापन निकल जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब साथ साथ बहुत ही आसान और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। अब इसमें मैं और कुछ ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ मिर्च डालनी है। हम लोग देगी मिर्च इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं खाते हैं। डालने के लिए आप इसमें काट के हरी मिर्च भी डाल सकते हैं या दूसरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर कलर देगी मिर्च से अच्छा आता है और कम तीखा भी होता है। और इसमें साथ में मैंने इसमें थोड़ा गर्म मसाला डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये काफ़ी हद तक बन के तैयार हो चुका है। अब जैसे ही ये थोड़ा सा मसाला, देखिए मसाला इसमें खड़ा खड़ा ही है, बस मसाला भुन जाए, सब्जियां थोड़ी खड़ी खड़ी रहेंगी, क्योंकि पनीर डालने के बाद अब मैं इसमें अगला जो है, ये देखिए थोड़ा सा इसमें हम केचप डाल देंगे। 1 चम्मच केचप डाल दीजिए, जिससे इसका जो टेस्ट है वो एकदम चेंज हो जाएगा। और साथ साथ इसमें मैं थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करूँगी। देखिए मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड करूँगी। विनेगर से इसका स्वाद जो है वो बाहर के पनीर जैसा हो जाएगा और बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे मसाले नहीं डालने हैं, बहुत हैवी नहीं बनाना है। देखिए आपने जो रिफाइंड है आप उसमें रिफाइंड को और भी कम कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर साथ साथ पनीर ऐड कर दिया है। अब इस पनीर को अच्छे से मिला दीजिए, सब्जी का कलर इतना सुंदर कलर आएगा और स्वाद भी उसका बहुत ही लाजवाब होगा। चाहें तो आप इसमें धनिया ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही हूँ अभी इसमें धनिया ऐड। ये ऑलमोस्ट आपका बनके रेडी है। अब मैं इसमें से जो तेज पत्ते मैंने डाले थे बड़े बड़े, आप छोड़ भी सकते हैं, फ्लेवर उससे और अच्छा हो जाएगा। वैसे फ्लेवर अब तक आ चुका होता है। अब मैं उसमें से वो निकाल दिए मैंने बाहर, और ये पनीर बनके तैयार है।
देखिए कितना खूबसूरत पनीर और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी।